Assalamualaikum. So we welcome back to the new vlog. भैया आ चुका अभी सब्जी वाले की दुकान पर। अच्छा तो दादा अभी जो लेने ना वो सब मुझे याद है, हम लेते हैं बराबर। यार गोभी कितने किलो? गोभी 80 और चलो सही है। अच्छा 80 की गोभी कर लो और अच्छा और चलो यार अभी सब्जी वगैरह लेके फिर आपसे बात करते हैं। अंकल को दे दिए 80 रुपए की गोभी दे रहा हूँ। ठीक है 30 रुपए का टमाटर मांग रहे हैं। ठीक है समझ गया। 50 के आलू मांग रहे हैं समझ गए। और 50 का मसाला मांग। नहीं यार सही है बंदा भी आई है। हाँ बंदा बड़ा तेज है भाई। अच्छा सब कुछ याद है क्या? जियो क्या जियो तेज अंकल वाह भाई जियो तेज निकला भाई। ठीक है अभी क्या तेज है अंकल? जियो तेज होता है ना जियो। अच्छा अच्छा पाकिस्तान का चैनल है यार। अच्छे अच्छे आलू निकालना। हाँ हमें सब्जी लेनी है ना घर की सब्जी लेने का सर ना फट रहा होते पता है आपको। वालदा यार सही है यार हमारी वालदा लेती है ना वो सही है। जो को लेना हो ले लेना। अभी हम चले क्या कुछ लेने है नहीं ये शुक्र अंकल हमें अच्छे मिलकर जो बता दिए अंकल ने खुद ही। चलो भाई सब्जी वगैरह तो आ चुकी है हमारे वाले। अब चलते अभी बनाते हैं घर। नए आलू है पक्की है चलो अभी आलू भी था मैंने आप पकड़ लो आप बड़े भाई चुके हैं। अभी अयान वालों को आलू खिला के अपनी तरह आलू करेंगे तो चले यार चलो। थैंक यू यार थैंक यू वेलकम ओके अल्लाह हाफिज़। चलते हैं अब चलते भी फटाफट से घर। हम घर आ चुके हैं भाई और अब चलते हैं फटाफट से ऊपर। तो अभी जाने लगा हम ऊपर और जामिन नहीं आ रहा सब्जी वगैरह पकड़ के आ रहे और जामिन अभी हमारे घर होगा बहुत ऊपर। ठीक है ना हमारा घर बहुत ऊपर हो गया मेरे चार थी अब जैसे लग के छः हो गई गए हालत अभी हमारी घर। हम वालदा को नहीं भेजेंगे अपनी। हम लोग लड़के हैं तभी हमें काम करना चाहिए। अहमद कभी सुधर जाओ। सही बात है चलो यार कर लेंगे कोई बात नहीं। मैं किसका घर पर अब मुझे वापस उतरना पड़ा भी नीचे सिर्फ मैं जा रहा हूँ और सीन को जैसे भाई अब मैं प्याज भी भूल गए। हम दोनों अम्मी ने बताया भी नहीं थे प्याज भूल गए किसी भी धनिया और लाल मिर्च पाउडर ये भूल गए। अब मैं जा रहा हूँ लेने फटाफट से चलते हैं भाई। अभी मैं इधर आया हूँ सब्जी लेने के लिए। आ गए हम भाई वापस से सब्जी वाली दुकान पर। सो अभी यहाँ से लेते भी सामान और चलते भाई घर। चलो भाई यहाँ से भी सामान लेते और चलते भी घर। ठीक है भाई का जो सीन है भाई सब कुछ हमने ले लिया भाई मैंने ले लिया भाई सब कुछ और अब चलते हैं भाई अब घर। अब कोई काम वगैरह नहीं है अब फौरन जाएंगे भाई घर पे सो जाएंगे नहीं सोएंगे नहीं लेट जाएंगे नहीं मोबाइल उठा के बैठ जाएंगे नहीं ये वगैरह करेंगे यार वो सब चलते भी फटाफट से घर। भाई इस दुकान से खाली थोड़ा सा बस सोडा लेने आगे यहाँ से इस दुकान से चलते हैं। लेते हैं भी फटाफट से फिर आपको मिलते हैं। अच्छा तो भाई फाइनली हमारे घर एक मेहमान आ चुकी है और आपके भाई क्या है नी? मेरा भाई है मेरी मम्मा की नानी के घर। ठीक है तो अभी हम गर्दा मचाने वापस आ चुके हैं। अच्छा भाई और खूब मस्ती होगी मनाएगा। और एनी आप कब तक यहाँ पर हो? अभी हम तीन दिन मंडे को चले जाएंगे। मंडे को ये लोग चले जाएंगे तो भी थोड़ा सवाल जवाब एनी से तक आपका अच्छे ना दिमाग घूमेगा ये पूरा व्लॉग देखना है आपने। और भाई एनी से हम थोड़ा सवाल जवाब करते हैं चलिए लेट्स गो स्टार्ट। ये टीचर हमारा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी आते ही हमने गर्दा मचाना इसी दिन से स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जामिन मेरा इंटरव्यू लेगा तो अभी आज मेरा पहला पेपर था और मैं वही छोड़ मैं करके धड़ बढ़ के आ गई वापस। अभी मंडे को चली जाऊंगी
तो अभी यहीं से धमाल मचाना शुरू करते हैं। तो अभी आज हम गेम खेलने वाले हैं जो है इंटरव्यू, इंटरव्यू जिसमें होंगे सी बात ये ये हमारा दोस्त सवाल एक चमाट लेकिन देगा जब आपने सही सवाल नहीं बोले एक चमाट आपको पड़ेगा। ठीक है हाँ तो भाई मैं कुछ एनी से सवाल पूछने वाला हूँ और एक अमिताभ बच्चन के तौर पर। तो चलिए एनी आपका पहला सवाल का आपकी कंप्यूटर। तो अभी यहाँ केबीसी स्टार रहने वाली है तो अपना इतना बड़ा दिल थाम के रखो। चलिए स्टार्ट कीजिए अमिताभ बच्चन कौन बनेगा। हाँ तो एनी आप ये बताएं ज्यादा शहदादपुर में ज्यादा ठंड है या कराची में ज्यादा ठंड है। यहाँ सर हमें मुताबा करने से पता चला है कि शहदादपुर में ज्यादा ठंड है क्योंकि लोग डबल ट्रिपल रजाई लेते हैं। अभी ये एनी कराची में आ चुकी है तो कराची में अफकोर्स ज्यादा ठंड हो जाएगी। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी हम पूछते हैं एनी से दूसरा सवाल। तो एनी आपका नाम किसने रखा। मेरे छोटे दादा अपू ने मेरा नाम रखा जो मेरे दादा के ब्रदर थे। ओके भाई ये तो बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो इस खुशी में मैं एनी से एक थप्पड़ सौंप। लोकेशन चेंज हो गई है तो आप ये नहीं समझना मैं घर से दिख के मारिए बाहर निकाल दिया गया। ठीक है भाई आज अभी हम एनी से पूछते हैं तीसरा सवाल। तो एनी आपका तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है। तो जी आप मुझे ये बताएं आपका पहला पेपर कैसा गया। अब इसकी पोल खुलेगी। जी मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा गया और मेरे सारे सवाल राइट लिखे और अल्फाज मायने भी बिल्कुल राइट लिखे और करेक्ट आंसर वगैरह सब राइट लिखे। अभी वो तो अभी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा एनी ने क्या तीर मारे। तो आप एक रिजल्ट के तो बारे में बता दे। अच्छा चलो भाई ये भी बहुत अच्छा आंसर दिया इसने। तो गाइस मैंने अभी ये जो रिजल्ट आया था मैंने इस पे A1 ग्रेड किया है। तो कमेंट में मुबारक के लिए ठोक दे मुबारक। जी भाई कमेंट में पूरे कमेंट में आप लोग ये बोले इतनी मुबारक बंदो इतनी मुबारक बंदो मुबारक की दुकान खोल दे हमारा अहमद। बहुत ज्यादा नहीं हो गया। आपसे मैं तीसरा सवाल पूछना चाहता हूँ और आपकी तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटना है इसके। आप ये बताओ मुझे आपकी बर्थ डेट क्या है। मेरी बर्थ डेट है 1st मार्च। ओके भाई 1st मार्च इसकी बर्थ डेट है और मुझे अपना बर्थ ईयर भी याद है। क्या है 2011। ओह माय गॉड अच्छा ये बर्थ लिखी हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं आपने अपने भाई को कितने चमाटे मारे उसके पैदा होने से तब। देखिए जब वो पैदा हुआ था तो तुम छोटा था मैं उसे मार सकती हूँ। ठीक है बात और फिर जब वो बड़ा हुआ तो 50-50 लड़ाई होती थी। बस कभी ये भी बड़ा अच्छा जवाब था। कभी वो मुझे मारता था लेकिन जब तक जहाँ तक मैंने देखा एनी बहुत चमाटे खाती थी। वो वाले एक्टिंग के 50 रुपए काटा इसके धमाल करते हैं वो। जरूर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।